गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम आज लर्न करेंगे अपना चैप्टर 5 ऑफ हिस्ट्री, जो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, भारतीय भवन निर्माण कला का इतिहास। क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट के 2 टाइप्स कौन से हैं? रिलीजियस मतलब धार्मिक, सेक्युलर मतलब सामाजिक। धार्मिक कौन से हैं? जैसे मंदिर हैं। सेक्युलर कौन से हैं? जैसे महल हैं या फिर मीनारें हैं। ठीक है, मेडिवल पीरियड इज सो रिच इन आर्किटेक्चर। क्यों? जो मध्य भारत था, मध्यकाल था, वो भवन निर्माण कला में काफ़ी समृद्ध था, क्योंकि जो रूलर्स थे वो क्या थे, मंदिर बनवाने के शौकीन थे, वो अपनी शक्ति दिखाना चाहते थे, और जो भवन निर्माण कला की नई तकनीकें विकसित हुई थी। लाइमस्टोन का जो इस्तेमाल बढ़ रहा था 12वीं शताब्दी में, उसने कंस्ट्रक्शन को ईजी कैसे बना दिया। जो लाइमस्टोन था वो अच्छी क्वालिटी की सीमेंट होती थी और कंक्रीट को मजबूत कर देती थी। जब इसको स्टोन चिप्स या छोटी छोटी कंक्रीट या जो छोटे छोटे पत्थरों में कंक्रीट के साथ इसको मिलाया जाता था, तो ये मजबूती प्रदान करती थी। वाई रिलीजियस मोनूमेंट्स वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड। जो क्यों धार्मिक इमारतों को सुंदर तरीके से बनाया गया, क्योंकि जो रिलीजियस मोनूमेंट्स थे वो पूजा के स्थल थे, इसके साथ साथ वो राजाओं की शक्ति और धन का प्रदर्शन करते थे। जो राजा थे वो भगवान का नाम क्यों लेते थे, क्योंकि वो अपने आप को भगवान की तरह दिखाना चाहते थे। राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या फिर ऐतिहासिक जो स्मारक या बिल्डिंग हैं उनका महत्व तो बताइए। वो भारत का ग्लोरी दिखाते हैं, गौरवपूर्ण इतिहास दिखाते हैं। इसके साथ साथ वो भारत की ये इतिहास को विश्लेषण करने का एक विजुअल सोर्स है, मतलब उसको हम देखकर भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ भारत का जो कला और संस्कृति है उसको शो करते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए बेटा, वाई रूलर्स कंस्ट्रक्टेड मॉन्यूमेंट्स, क्यों बनवाए स्मारक या फिर बिल्डिंग्स क्यों बनवाई। वो अपनी विक्ट्रीज, विजयों, जो वो जीत हासिल करते थे उनको सेलिब्रेट करते थे, अपनी शक्ति और अपना धन दिखाते थे, इसके साथ साथ अपने भगवान जैसे गुण होते थे उनको दिखाते थे। वाई वाज टेम्पल टारगेटेड, जो मंदिर थे उनको टारगेट क्यों, निशाना क्यों बनाया जाता था। ठीक है, एग्जाम्पल दे, जो मंदिर हैं उनको टारगेट बनाया जाता था ताकि वहाँ उसको लूटा जा सके, और उसके साथ उसमें जो वेल्थ होती है, जो धन होता था, उसको लूटा जा सके और अपनी शक्ति को दिखाया जा सके। महमूद गजनी था, उसने सोमनाथ मंदिर को 17 बार उस पर आक्रमण किया और यहाँ पर इनामरस या बहुत ज़्यादा धन यहाँ से लूट के ले गया। दो मुख्य टेक्नोलॉजी, तकनीकी और जो स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट कौन सी थी जो 12वीं शताब्दी में जिनको नोटिस किया जा सकता है। सबसे पहले जो सुपर स्ट्रक्चर का जो बड़ी इमारत होती थी उसका जो वेट है वो स्तंभों पर, आर्क्स मतलब स्तंभों पर उसको कैरी किया जाता था, जो की स्टोन स्तंभ के बीच में एक मुख्य स्टोन लगाया जाता था। इसके साथ साथ जो लाइम सीमेंट है उसका चूने का इस्तेमाल किया जाता था। इन वॉट वेज, किन तरीकों से, जो राजेंद्र वन और महमूद गजनी की जो पॉलिसीज थी वो अलग थी। जो राजेंद्र वन थे उसने भगवान शिव का मंदिर बनवाया और उस पर उनको उसको उन मूर्तियों से भर दिया जो मूर्तियाँ उसको या तो युद्ध में जीतने से मिली या किसी ने गिफ्ट की। जबकि जो महमूद गजनी था उसने राजाओं को हराकर उसके उनके मंदिरों को तोड़ फोड़ दिया और वहाँ से काफ़ी धन वो लूट ले गया। सो बेटा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वन मोर क्वेश्चन ये था, ये हमने कर लिया है 5th क्वेश्चन। सो इसको लर्न करें, डाउट है तो डाउट सेशन में क्लियर करें। सो कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।